स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में आप सभी देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर अनुपमा और वनराज के बीच कितना ड्रामा आए दिन होता ही रहता है। और अब तो अनुपमा में जल्द ही वनराज और अनुपमा का तलाक होने वाला है, जिसके बाद आप सभी की काव्या अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगी। और वनराज से तलाक लेने के बाद अनुपमा तो अपनी जिंदगी में जल्द ही मूव ऑन कर जाएगी और वो अपने डांस एकेडमी पर ज्यादा फोकस करेगी। इसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा जो कि उसकी बदलती जिंदगी में और भी नए रंग भर देगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो अनुपमा है उसका रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन इस नए शख्स की एंट्री से, जिसकी बदौलत अब अनुपमा को एक बार फिर से प्यार और रिश्तों पर दोबारा भरोसा हो जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शो में होने वाले नए एंट्री की। जी हाँ, जहाँ पर राम कपूर की अब शो में होने वाली है न्यू एंट्री, जहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अनुपमा का पहला प्यार यानी कि अनुपमा का पहला क्रश, जिसका खुलासा देविका ने किया था कि अनुपमा कॉलेज टाइम पे किसी को पसंद करती थी, जो कि अनुपमा का काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसी दोस्त की शो में एंट्री होने जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जब सीरियल अनुपमा में यहाँ पर एंट्री होगी तो कहानी तो नया मोड लेने ही वाली है और इस रोल को निभाने आ रहे हैं आप सभी के प्यारे राम कपूर। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है शो में कि एंट्री के बाद कहानी कौन सा नया मोड लेती है और राम कपूर की एंट्री के बाद शो की कहानी और टीआरपी में क्या धमाल मचता है। वाला आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।